ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਾਡਾ मिठाई कहाँ है? शुजा साहब मिठाई कहाँ है? मैं मीठा नहीं खाता यार। अरे आपकी प्रमोशन नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर? आपकी बात तो तय हो रही है ना, इसीलिए खा ले। और मिठाई खाने से करवाहट कम होती है। हेलो और सर, जी सर, अच्छा जी सर, मैं आया। कितनी दफा कहा है तुम्हारे अब्बा को चूल्हा बदल डाले? कितना देखो धुआं भर गया है पूरे बावर्ची खाने में, मगर मेरी सुनता कौन है? अल्लाह माफ करे, ऊपर से इतनी गर्मी। अम्मा, अब्बा बेचारे भी क्या करेंगे, हमारे महाना पढ़ाई के खर्चे, ऊपर से एकेडमी की फीस भी वही देते हैं। इतना सब कुछ निकाल के उनकी आमदनी में से बचता ही क्या है? हाँ तो किसने कहा था यहाँ रुलने को? अच्छा भला सऊदी अरब का वीजा मिला था, खुद ही नहीं गया? यहाँ मुसीबत आ गई, हमारी भी बेसकूनी हो गई। अस्सलाम वालेकुम। अरे अब्बा। वालेकुम साहब। तुम्हारी रोटी भी डाल दूं? अरे नहीं अभी नहीं, जरा दम लेने दो, गर्मी बहुत हो गई। हमें तो ला दो। खुदा के लिए चूल्हा तो ठीक कराओ, धुआं भर गया पूरे बावर्ची खाने में। करवा देंगे करवा देंगे, ये तो लो तनख्वाह इस महीने की, बोनस भी इस महीने का। शुक्र है, मैं तो इतनी परेशान हो गई थी। ये क्या फिर से वही दाल? जितनी तनख्वाह है ना तेरे अब्बा की, उसमें दाल रोटी मिल रही है, शुक्र तो। परेशानी क्या हो गई अब? अल्लाह शुजा की मंगनी नहीं करनी, वहाँ क्या लेके जाऊंगी, कपड़ा लत्ता तो लेके जाऊंगी ना कोई। देखो शुजा की मंगनी इतनी जरूरी नहीं है, इसे इस बार सबसे ज्यादा जरूरी है कामरान का दाखिला जमा होना, क्योंकि कल आखिरी तारीख। अच्छा तो क्या मंगनी पे क्या लेके जाऊंगी, चांदी का छल्ला? सौ सौ बातें सुनाएंगी मुझे वो। देखो तुम्हारी बहन को हमारी हैसियत का ठीक से पता है, तुम भी उतना ही सोचो जितनी हमारी औकात और जेब इजाजत देती है। हमारी जो औकात है ना उसका तुम्हें भी अच्छी तरह पता है और मुझे भी अच्छी तरह पता है, लेकिन कभी कभी अपनी औकात से बढ़कर भी खर्चना पड़ता है। मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी बच्चों की तालीम है और बस। इस तालीम ने क्या दिया मुझे बताओ? शुजा को 16 जमाते पढ़ाई, क्या कर रहा है वो? 10-12 हज़ार कमा रहा है और क्या? हो जाता है, आमदन के साथ अखराजात बढ़ जाते हैं, लेकिन ये कितने फखर की बात है कि हमारे बच्चे आला तालीम याफ्ता। मुझे तो कोई शौक नहीं है तालीम याफ्ता बच्चों की माँ कहलवाने का। अरे पेट में रोटी नहीं है, सर पे ताज सजा लो तालीम का। हाँ क्या हो गया अम्मा? अब्बा को आए हुए अभी 2 मिनट हुए नहीं और तुमने बातें सुनाना शुरू कर दी, सांस तो लेने दो उनको। बेटा माँ के साथ ऐसा नहीं बोलते, बुरी बात। ये तो पढ़े लिखे हैं, मैं तो जाहिल गवार अनपढ़ हूँ, इनको क्या तमीज सिखाई है? तालीम याफ्ता है, लानत है इन पे, हटो रास्ता दो। आपको पैसे देते हैं अम्मा। मेरी ट्यूशन की फीस आएगी और इधर उधर से करके मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, मैं कर लूंगा अपनी फीस के पैसे। नहीं मेरा बच्चा, पिछली मरतबा भी तेरी सारी आमदनी इमरान के दाखिले में चली गई थी, इस बार मैं दूंगा। शुजा की मंगनी इतनी जरूरी नहीं है, मैं बात करता हूँ उससे। सकीना 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 सकीना
बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? कामरान का दाखला जाना जरूरी है, शुजा की मंगनी इतनी जरूरी नहीं है। देखो तुम मुझे ना ही समझाया करो तो अच्छा। शाहीन की नंदों को जानते हो तुम? नहीं जानते ना? मैं जानती हूँ। ये लंबी लंबी ज़बानें उनकी, मैं उनकी कोई बात नहीं सुन सकती बस। एक तो तुम औरतों की मुझे समझ नहीं आती, रिश्ता भी पसंद नहीं है, चाहो भी पूरे करेंगी। हाँ नहीं खुश मैं, बिल्कुल खुश नहीं, लेकिन रिश्ता क्यों कर रही हूँ? शुजा की खुशी के लिए ना, तो चाहो भी पूरे करूंगी। और वो लड़की अच्छी भली खाते पीते घर की है, क्या सोचेगी भूखे नंगे ससुराल वाले एक जोड़ा और एक अंगूठी भी नहीं दे सके। तब्बा आप ये पैसे अम्मा को दे दीजिए, इनकी खानदान में इज्जत रहना ज्यादा जरूरी है। बेटा तुम अपना दिल बुरा न करो, मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करूंगा, हालांकि सारी उम्र समझा नहीं पाया। भाई मुझसे इस मामले पे अब कोई बात ना करे, सरखा गया मेरा। देखो शुजा, मैं तुम्हारा नाम प्रमोशन के लिए रिकमेंड किया था, मगर प्रमोशन रजा की हो गई क्योंकि वो डायरेक्टर साहब का भतीजा है। हाँ यार, बस हम लोग भी ऑफिसर्स के सामने बेबस हो जाते हैं, लेकिन तुम परेशान मत हो, अगले साल तुम्हारा प्रमोशन जरूर हो जाएगा। जुमला हर साल सुनने की आदत हो गई सर मुझे, इंशाल्लाह। क्या खाक चाय पिए, दिलों पर तो छुरियां चल रही हैं और तुम कह रही हो कि चाय पिए। भाई वाह वाह, नहीं तो क्या, तुमने वैसे हमें समझा क्या है? आखिर हुआ क्या है? अरे वाह कितनी मासूम बन गए तुम हैं, जैसे कुछ पता ही नहीं। हमारे भैया जब से लंदन गए हैं, अरे तुम इतनी खुद मुख्तार हो गई कि बच्ची की शादी खुद ब खुद ही अपनी बहन के यहाँ पक्की कर दी और हमसे सलाह तक न ली। आपा दरअसल, अरे छोड़ो अपनी वजायतें अपने पास रहने दो, हैं? हम तो बस मुन्नी नाम के बड़े रह गए हैं, अगर आज हमारे भैया यहाँ होते तो हमारी ऐसी बेइज्जती ना होती। कैसी बातें कर रही हैं आपा आप, भला मैं आपकी बेइज्जती कर सकती हूँ? ये बेइज्जती नहीं है तो और क्या है? अरे खुद ब खुद ही अपनी बच्ची की मंगनी पक्की कर दी और हमसे बात भी नहीं की तुमने। आपा क्यों पूछती, अगर ये पूछती तो हम होने देते। लंदन की कमाई की पलने वाली हमारी लाडली बच्ची को उन टट पूछियों के हवाले कर दिया। आप कैसी बातें कर रही हैं,
शुजा बहुत पढ़ा लिखा शरीफ खानदानी लड़का है। अरे भूखा नंगा क्या शराफत दिखाएगा भाई। हाँ सही कह रही है आपा, हमारी बेटी को तो वहाँ पे पेट भर के खाने को भी नहीं मिलेगा, फकीरों के यहाँ जा रही है। बहुत जैसे इसने तीर मार लिया अपनी बहन के घर में हमारी भतीजी को देख के। सही कह रही है मुन्नी, बिल्कुल सही कह रही है। ऐसी क्या बात है, आप तो हमारी बड़ी है ना। देखिए अच्छा मेरी खाते थोड़ा सा एक केक का। नहीं बस मेरा दिल नहीं कर रहा। आपने समझाया ना क्यों? आपने मेरी सेल्फियां नहीं देखी? हाँ देखी है। तो क्या पसंद नहीं आई? हाँ अच्छी है। शुजा क्या बात है, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। क्या करोगी तुम जानकर? ये क्या बात हुई, आपकी खुशियां मेरी खुशियां हैं और आपकी परेशानियां मेरी परेशानियां हैं। बताएं क्या बात। यार वही हुआ जो हर साल होता है, मेरे जूनियर को प्रमोशन मिल गई तो मैं मुंह देखता रह गया। ओ तो ये बात है। इस मुल्क में ना मेहनत और दयानतदारी से काम करने वाले की कोई जगह नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। सिर्फ सिफारशी और रिश्वत खोर जो है वो तरक्की करते हैं और इज्जत कमाते हैं। आप दिल मेला मत कर, अल्लाह मियां इंसान की मेहनत का फल उसे जरूर देते हैं। हाँ जैसे अब्बा को मिल रहा है ना, दिन रात लहू की बैल की तरह मशक्कत करके क्या मिला उन्हें? दो वक्त की सूखी रोटी, ना अच्छा घर और ना अच्छी आसाइश। शुजा आलू की इस गली में बहुत ज्यादा इज्जत है और उनके पास सुकून की दौलत है। आप लोगों को उन्होंने पढ़ाया है लिखाया है। तो हमने क्या तीर मार लिए पढ़ लिख के? अच्छा चल अपना मूड ठीक मुस्कराए मेरे लिए। यार तुम भी ना, हमारे लिए सबसे कीमती चीज हमारी मोहब्बत है। और क्या ये खुशकिस्मती की बात नहीं है शुजा कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और एक दूसरे को पाने जा रहे हैं। यही खुशी रहेगी एक। आपी अम्मी बुला रही हैं, फायजा और जारा फुफू आई हैं। शुजा मैं आपसे रात में बात करती हूँ, आप प्लीज परेशान ना हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम पप्पो। हाय वालेकुम अस्सलाम। हाय हिरा। हाय मेरी बच्ची। हाय मेरी बच्ची, तेरे तो नसीब ही फूट गए। देखो क्या हुआ मेरे नसीब को। अरे बच्ची तेरी माँ ने तेरे नसीब फोड़ दिए। हाँ। अरे पप्पो आप क्यों इतनी सेंटी हो रही हैं? हमारे भाई की दो ही तो निशानियां थी, एक की शादी वो गरीबों में कर रही है और इस दूसरा का पता नहीं क्या हाल करेगी वो। अरे फुफो मैं इतनी अमीर लड़की से शादी करूंगा ना कि उसके आगे आप लोग सब गरीब लगेंगे। लो भैया रही सही कसर भी तुम पूरी कर देना मियां। अरे अच्छा बताए ना हुआ क्या है। हिरा तू मुझे एक बात बता दे कि आजकल की लड़कियां तो गरीब लड़कों से शादी करना पसंद करते ही नहीं है, लेकिन तू इस गरीब लड़के के लिए मान कैसे गई? अरे फुफो वो लोग इतने भी गरीब नहीं हैं, खालू जान अच्छी खासी नौकरी करते हैं और शुजा भी तो सरकारी मुलाजिम है। मुन्नी लगता है रिश्ता इसी की पसंद से हुआ है। 100% दुरुस्त कहा आप आपने। हिरा हिरा बेटे जाओ जाकर कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो, तुम्हारी फुफो है ना आज खाना खाकर जाएंगी यहाँ से। आप आए ना इधर बैठे जाओ मेरा बच्चा, कुछ अच्छी सी दो चार चीजें बना लेना बेटे, बिलाल जाओ जाके बहन की हेल्प करो। इधर आओ। क्या बनवा रही हो? आप जो कहें जो आपका दिल करे। लो इनका। आ गया मेरा बच्चा, आजा आजा तू भी दाल चावल खा ले। मैंने नहीं खाना अम्मा। क्या हुआ खैरियत तो है? बहुत उम्मीद थी इस बार नहीं मिली प्रमोशन। क्या किसी और की होगी तरक्की?
हाँ था किसी का भतीजा। देखा तुम ही कहते थे पढ़ाओ लिखाओ बड़ा अफसर बनाएंगे, अरे 16 जमातें पास कर ली अभी तक अफसरों के जूते चटका रहे, ना तुमने खुद कुछ किया ना बच्चों को कुछ करने दिया। क्या हुआ, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, हक हलाल की कमाई खाता हूँ, सुकून की नींद सोता हूँ। आज के दौर में किसी को सुकून की नींद मयसर हो तो बड़ी बात है। अरे बेटा फिक्र न करो, जब प्रमोशन होनी होगी हो जाएगी। अब्बास मुल्क में ना सिर्फ सिफारिशें और दो नंबरियों को मिलती है तरक्की। अरे इधर आ मेरी बात सुन, मेरा बच्चा इधर बैठा। देख मेरी बात सुन, तू ऐसा कर सब कुछ छोड़ छाड़ के ना यहाँ से चला जा, बाहर चला जा, वहां जाके खूब कमाना ऐश करना अपने ससुराल वालों की तरह। अरे कैसे उल्टे सीधे मछुरे दे रही हो इसे, क्या नहीं है हमारे मुल्क में, आदमी मेहनत मजदूरी करे तो सब हासिल कर सकता है। अच्छा तुमने मेहनत कर ली, क्या मिला तुम्हें बताओ जरा, क्या मिला तुम्हें? ये टूटा फूटा घर, न खाने को न पहनने को न ओढ़ने को, और वो देखा मेरी बहन को देखा कितनी ऐश कर रही है, 15 साल से उसका मियां लंदन में कमा रहा है, अयाशी करती फिर रही, और मैं, अरे मैं तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं पूरे खानदान में, और वो ऊंची नाक करके ऐसे फिरती है, ऐसी इतराती है जैसे पता नहीं कहां की मलका हो। बिल्कुल ठीक कह रही है तू अम्मा, कुछ नहीं मिलना मुझे इस मुल्क में, मुझे बाहर जाने के बारे में सोचना ही पड़ेगा। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। फिर वही बात, देख बेटा तू बाप की बिल्कुल ना सुन, मेरी माँ बस मैंने कह दिया ना, तू बाहर जाने की तैयारी कर, जा बाहर ऐश कर, अपना काम कर, अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच। तुम कब समझोगे, मुझे समझ में नहीं आता, बच्चा इतना परेशान है। लो अम्मी, मैं शुजा भाई की मंगनी पे कौन से वाला ड्रेस पहनूं, ये वाला कौन सा अच्छा है? मेरी बेटी जो भी पहनेगी ना अच्छा ही लगेगा। अम्मी बस करें, अब मैं इतनी भी प्यारी नहीं हूँ कि कुछ भी पहनूंगी तो अच्छा लगेगा। ओहो खुशफहमियां तो देखो, खुद अपने आप को ही प्यारी कह रही है। मैं अपने आप को प्यारी नहीं कह रही हूँ फाद भाई, आप जेलस हो रहे हैं मुझसे। मैं और जेलस, वो भी तुमसे, यूनिवर्सिटी की लड़कियों से जाके पूछो कितना हैंडसम हूँ मैं, मरती है मुझ पे। ओहो लड़कियां, आज तक मोहल्ले की एक भी लड़की ने घास नहीं डाली आप। मैं खुद लिफ्ट नहीं कराता उन्हें, वो मेरे लेवल की हैं क्या, छोटी मोटी मामूली लड़कियां। अरे बेटे ऐसे नहीं कहते। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम कामरान, कैसे हो बेटे, घर में तो बड़ी रौनक होगी शुजा की मंगनी की है। जी खाला बस घर में उसी की तैयारियां हो रही हैं, उसी में बिजी हैं आजकल। चाय लेकर आऊं? नहीं शुक्रिया। खाला मैं फहद से कुछ बात करना चाहता हूँ तो इजाजत? ले जाओ, गए दोनों। अम्मी बताएं ना कौन से वाला पहनूं, मुझे मैचिंग भी करनी है इसके बाद। बात तो बताओ सानिया, मंगनी सकीना के यहाँ हो रही है और तैयारियां तुम कर रही हो, लगता है हिरा और शुजा की मंगनी की तुम्हें बड़ी खुशी है, हैं? वो तो है, हिरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं ये वाला पहनूं। ठीक है जाओ, आ जा जल्दी से। हाय अल्लाह थक गए। अरे आओ देखो तुम्हारी बहू के लिए क्या क्या लेकर आई हूँ मैं। भाई तुम लाई हो तो अच्छी चीजें ही लाई होगी। अम्मा मैं भाई को बुला कर लाती हूँ। हाँ हाँ बुला ला। शुजा भाई ये देखो भाई। अबे खुदा को मानो क्या हो गया तुम्हें? आए तो सही ना, हम भाभी के लिए इतनी प्यारी चीजें लाए। अबे क्या ले आए, कितना प्यारा जोड़ा लाए भाभी के लिए, ये देखे, और साथ साथ चूड़िया और मेकअप भी लाए इतना सारा। अच्छा मैं क्या करूं? हाँ दिल में लड्डू फूट रहे हैं, ऊपर से शर्मा रहे हैं। चल मैं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा तो फिर कैसी बात है, चले वही बताते हैं हम लोगों को। अरे क्या हो गया तुम लोगों को, ले आई अम्मी मंगनी का सामान, इसमें कौन सी खास बात है? खास बात ये है कि हीरा भाभी के लिए। और हीरा भाभी अरे क्यों छेड़ रहे हो उसको, मत तंग करो, शर्मा रहा है वो। शर्मीले नहीं है, एक्टिंग कर रहे हैं।
अरे कोई एक्टिंग नहीं कर रहे, वाकई में शर्मा रहे। देख ही रहा शुजा भाई का मुंह कैसे अनार की तरह लाल हो गया शर्म के मारे। अरे दो गई मेहंदी कीरा दाई मेहंदी भाई बाप के सामने नाच रही यार, शर्म करो कोई। या अल्लाह मेरे बच्चों को इसी तरह हमेशा खुश रखना। आमीन सुमा मीन। हम ऐसी खुशी में हमारी भी मंगनी कर दो। अरे इसकी सुन ले जरा। चड्डी से तो निकला मंगना। वो एडमिशन के क्या किया? वो अब फहद से पैसे लेके मैंने फीस भर दी थी, उसको आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद ही दूंगा। आप फिक्र नहीं करें, अम्मा को कितना खुश होगा। अरे बस इसी की खुशी को देख के भी चुप हूँ। खुश रहो, खुश रहो। फिर भी अम्मा हम किसी से कम तो नहीं, पूरे 25,000 की शॉपिंग की है। हाँ भाई पच्चीस हजार के हैं। इतने पैसे कहाँ से आए अम्मा? कमेटी निकली है क्या? अरे कहाँ कमेटी निकली है, कहा भी था रशीदा से कमेटी दे दो। कहने लगी कि भाई मैं नहीं दूंगी, तेरी पहली कमेटी है, आज होगा तो दूंगी। अच्छा तो फिर? अरे तेरे अब्बा को तनख्वाह के साथ बोनस भी मिला है, उसी की लाई। अच्छा तो वो तूने सारा मंगनी पे खर्च कर दिया? सारा खर्च किया। तो घर का खर्चा कहाँ से चलेगा? मेरी तनख्वाह से तो मुश्किल से बिल पूरे होते हैं। अल्लाह मालिक से देखी जाएगी। अरे फिर भी अम्मा सोचिए, खर्चना चाहिए था ना। तो ये रिश्ता करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि हमारी उनकी कोई बराबरी नहीं है। अरे वो लंदन के मुर्ग मसल्लम खाने वाले, वहाँ की कमाइयों वाले, और हम, हमारे पास क्या है? एक वक्त की रोटी का पता नहीं हमारी। मियां आप किया है ना तो भुगतो। मंगनी पर इतना खर्चा, शादी पर क्या होगा? हाँ तो यही तो सोचना है, बल्कि अभी से सोचना शुरू कर दो कि शादी पे क्या करना है। मैंने तो कामरान का दाखला भी नहीं भेजा। उसका दाखला गया ही नहीं क्या? पता नहीं क्या दौरा था कि बाद से लेगा उधार, अल्लाह जाने। अरे भाई परेशान तो ना होना, अब खुशी तो ना खराब करें अपनी। खुशी कहाँ है वो? हीरा भाभी है ना आपकी खुशी, वो है भी तो कितनी प्यारी। है तो प्यारी। तुम्हें पता आज अम्मा तुम्हारे लिए मंगनी का ड्रेस, अंगूठी और दूसरी चीजें लाई हैं। तो क्या खाला ने मुझे कबूल कर लिया? अरे हाँ कबूल कर लिया है, तभी तो खुश है इतना। पहले तो वो इस रिश्ते से मान ही नहीं रही थी। अरे तो मान गई ना अब, और बहुत खुश है और बहुत प्यार से मंगनी की तैयारियां कर रही हैं। आपको पता है अम्मी भी मेरी खुशी की वजह से मानी है, वरना तो वरना क्या नहीं बताओ, वरना तो फूफियों को इतने एतराजात थे कि क्या बताऊं। अरे तो तुम्हारी फूफियां, अच्छा क्या एतराजात कर रही थी भाई? अच्छा छोड़े ना, हम अपनी अम्मी और फूफियों को क्यों डिस्कस कर? अच्छा चलो फिर बताओ क्या डिस्कस कर। मोहब्बत की बात है, अपनी और मेरी। हाँ ना, अब से सिर्फ मोहब्बत होगी और मोहब्बत की बात होगी। हिरा, हिरा कहाँ हो? आपसे बाद में बात करूंगी, सानिया आ गई। अच्छा तो मुझे मेहंदी लगवाने के बहाने बुलाकर यहाँ शुजा भाई से बातें की जा रही है? नहीं मैं तो ऐसे ही। इंसान वो झूठ ही क्यों बोले जो पकड़ा जाए। मुझे क्या पता था तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। सानिया अच्छा बोलिए जनाब, क्या बात करनी है?
अरे सानिया, तुम हम दोनों के दरमियान कहां से आ टपकी? हीरा की बेस्ट फ्रेंड हूँ, मुझसे परमिशन लेकर बात करनी पड़ेगी। पहले तुमसे बात करनी पड़ेगी? अच्छा साली साहिबा, हाँ तो ठीक है कर लेते हैं तुमसे बात। वैसे भी साली तो आधी घर वाली होती है ना। जी नहीं, मैं सिर्फ हीरा की बेस्ट फ्रेंड हूँ, साली वाली नहीं हूँ। आपका एक अदद साला है ना, आधे घर वाला, वही काफी है। अच्छा चलो बात कराओ हीरा से। हीरा से क्या खास बात करनी है, मुझे बता दे, मैं बता दूंगी उसे। सानिया फोन दो ना, क्यों तुम कर रही हो ना? अच्छा जल्दी से बताएं क्या बात करनी है। अरे अब सारी बातें तो मैं थोड़ी बता सकता हूँ, समझा करो। अच्छा चले आधी बता दो। लगता है तुमने हीरा से आज बात नहीं करानी है, बेहतर मैं अपनी नींद पूरी कर लूं। हाँ हाँ शाबाश, नींद पूरी करें, सुबह जल्दी भी तो उठना है और मंगनी के इंतजाम भी तो करने हैं। अच्छा जी ठीक है मैडम मशरा खानम साहबा। अच्छा भाई मैं आपकी तरफ से हीरा को गुड नाइट कह दूं, बाय। सानी कितनी बदतमीज हो तुम, बात भी नहीं करने दी। बदतमीज तो मैं हूँ, अगर बात करने देती तो मेहंदी सारी रात नहीं लगती। चल तेरे हाथों पे लिख दो मेहंदी से सांवरिया का नाम। सानिया तुम भी ना। मैं भी क्या, क्या मैंने गलत कहा है? शुजा भाई तुम्हारे सांवरिया नहीं है। हाँ वो तो है मेरा सब कुछ। सब कुछ मतलब दिल दिमाग आंखें गुर्दे फेफड़े? तुम भी क्या फजूल बातें करती हो। मैंने तो अपनी हर खुशी अपना हर जज्बा उनके नाम कर दिया। ओहो इतनी मोहब्बत। हाँ मैं शुजा से बहुत मोहब्बत करती हूँ। हीरा तुम बहुत लकी हो, तुमने जिससे मोहब्बत की उसकी मोहब्बत पा भी ली। हाँ तुम तो जानती हो ना अम्मी और सकीना खाला की आज तक नहीं बनी, अगर शुजा स्टैंड ना लेते तो पता नहीं क्या होता। तुम ठीक कह रही हो, तुम सच में बहुत खुश नसीब हो जिसे शुजा भाई जैसे मोहब्बत करने वाला इंसान मिला। हाँ मुझे शुजा की मोहब्बत पे बहुत नाज है। हीरा मेरे लिए भी दुआ करना। क्या तुम भी किसी से मोहब्बत करती हो? घूमने गए कि आज तक बताया नहीं और मैं तुम्हें अपनी सारी बातें बताती रही। मैं क्या बताती, मुझे भी तो अभी पता चला कि वो मुझसे और मैं उससे मोहब्बत करती। बताओ ना उसका नाम क्या है। अभी नहीं फिर बताऊंगी। तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करती, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करती। अरे बाबा ऐसी बात नहीं है। अच्छा बताती हूँ उसका नाम कैसे शुरू होता है। कैसे 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 क्या शुरू हो सकता है? खालिद खुरम। क्या वो हमारे मोहल्ले में रहता है? किसी और क्या हो सकता है? कामरान। इसका मतलब है कि तुम तो मेरी देवरानी बनोगी। जी जेठानी साहिबा, लेकिन मैं किसी को बताना नहीं तुम्हें कसम। ठीक है।
अरे वाह भाई वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो बड़ी प्यारी लग रही हो, उतनी अच्छी लग रही हो जितनी शादी के दिन लगी थी। मजाक मत करो। मजाक नहीं कर रहा अल्लाह कसम, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हाँ, ये बेटे की खुशी का रूप चढ़ा है। हाय सादत, मैं क्या बताऊँ, मैं इतनी खुश हूँ कि बस पूछो मत, मेरे दिल की सारी मुरादें पूरी हो गई। हाँ बहुत मुबारक तुम्हें। हाँ भाई, हम सबको मुबारक। ये बात सुनो, इस खुशी के मौके पे जरा भंगड़ा शंगड़ा। क्यों के पागल हो गए हो? कभी कभी ये हमारी उम्र है भंगड़े डालने की। चुप करो, क्या हो? चलो चलो चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी करो। चलो हम तो तैयार है, टोपी रखी। चलो साले को मापा। अरे आप लोग अभी तक निकले नहीं है घर से, सारे मेहमान आ गए, मंगनी का दिन है। अच्छा, अब तुम्हें हमें मंगनी पर बुलाना याद आ ही गया? अरे आपा कैसे याद नहीं आता, पूरा खानदान इकट्ठा हो रहा है ना, अगर हमें नहीं बुलाएंगी तो कितनी बेइज्जती हो जाती ना इनकी। कैसी बातें कर रही हैं आप, आज तक कभी आप लोगों के बगैर मैंने कोई काम किया है? ओफो, तुम्हें ये बात करते हुए जरा भी शर्म नहीं आ रही? सारे मामला तय करके उसके बाद तुम हमें मंगनी पर बुलाने आ गई हो। वाह वाह भाई। आपा गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे मुझे। हाय हाय आपा, कितनी समझदार और चलाक औरत है ना, पहले माफी मांग ली भैया, क्योंकि इसका तो मकसद पूरा हो गया। बस यूं कहो ना कि पहले अपनी मनमानी कर ली और बाद में हमसे मनवा ली। हम तो नहीं जा रहे। हाँ जाओ भाई, जाओ यहाँ से। अरे तुम्हें तो पहले भी हमारे बगैर काम करने की आदत हो गई है, ये भी कर लो। पापा मैं आपसे कह रही हूँ ना कि इस बार माफ कर दें, गलती हो गई, आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरी प्यारी आपा चले ना। किसका फोन? फराज का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हो? देखिए आपा, आप ना सिर्फ मेरी बड़ी बहन हैं बल्कि मेरी माँ हैं। अब सारे काम तो आपको करने पड़ेंगे। अरे ये तो तुम कह रहे हो ना मेरे भाई, वरना तुम्हारी बीवी तो हमें जूती की नोक पर रखती है। अरे आपा आप उसे छोड़े, मेरी खातिर। देखिए मेरी खातिर आपको हीरा की मंगनी में जाना होगा। अच्छा भैया, अब तुमने माँ कहकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है मुझ पर कि क्या करूँ, निभानी तो पड़ेगी ही। अरे बहुत शुक्रिया आपा, बहुत शुक्रिया। ठीक है, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। अरे शाहीन तुम किस कदर चालाक औरत हो भाई, हैं? अरे भाई से फोन करवा दिया ताकि हम इनकार ना कर सकें। वाह भाई वाह। आपा चल रही है ना? तुम चुप कर जाओ। चलो मुन्नी तैयार हुए, अब सजाना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। बहुत होशियार है। तौबा तौबा, अस्तगफार है भाई, तौबा। अरे आप, क्या बात है, आज बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो तुम। अच्छा तमन्ना तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, मेरी हालत देखकर लग नहीं रहा आपको मैं तैयार हूँ, फिर आप देख किसी और को नहीं यार पूछ हमसे। नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे ये दुल्हन की फ्रेंड क्या कर रही है यहाँ? ये बताने आई है कि दुल्हन की फ्रेंड इतनी प्यारी लग रही है तो वो खुद कितनी खूबसूरत लग रही होगी। जी नहीं, मैं सकीना खाला से पूछने आई हूँ कि उन्हें कोई काम तो नहीं है। अरे नहीं नहीं सब काम हो गए हैं। तुम्हारी अम्मी तैयार हो गई? जी वो तैयार है, वो कह रही थी कि जाते हुए मुझे बुला ले। भाई मैं तो अपनी सारी सहेलियों को सब हमसायों को साथ लेके जाऊंगी। चलो दोनों लड़कियों की तस्वीर बनाओ। मैं अबे ठहर जा, तू लड़कियों की तस्वीर आने अच्छा चलो आ जाओ तुम यार। हाँ जी कामरान भाई एक सेकंड काम करो, फिर सारे वहां चलो मैं यहीं से ले लेता हूँ। कामरान भी तो फरकान भी, चलो आ जाओ जी, थोड़ा अंदर हो छोटू, अंदर हो थोड़ा।
क्या कहते हैं वो इस्माइल। इजाजत है जी अंगूठी पहनाने की। मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक, सबको बहुत बहुत मुबारक हो भाई। अंगूठी देखी, अंगूठी के नाम पे धब्बा है, मुझे तो लगता है 2 लाख। अरे सच कह रही है मम्मी तू, और जोड़ा भी ना बिल्कुल पूरे का पूरा ही है, बिल्कुल महंगा नहीं है। लो बेटा, अरे तुम भी लो। मुबारक हो, बहुत बहुत तुम लोगों को मुबारक हो। हमें किस बात की मुबारक दे रही हो, मुबारक तो तुम्हें हो जिसकी के लॉटरी निकल आई है। लॉटरी निकल आई? कैसी लॉटरी? अच्छा कैसी लॉटरी? आई बैठे बिठाए इतनी अमीर कभी लड़की मिल गई तुम लोगों को और पूछ रहे हो कि कैसी लॉटरी? देखो भाई लॉटरी तो तुम लोगों की निकली है, मेरा इतना प्यारा खूबरू नौजवान पढ़ा लिखा पता नहीं तुम लोगों ने कब फंसा लिया। अरे क्यों बस कर दूं, नंदे तुम्हारी बेइज्जती कर रही है और मैं क्या तुम कह रही बस कर दूं? हाय हमने ऐसा क्या कह दिया तो तुम्हें मिर्चे ही लग गई। तुमने देखा कितनी बदजबान है ये? बदजबान होगी तुम जो हमने तुम जैसी होगा अपनी बेटी दे दी। अरे इसकी अकल पे पर्दे पड़ गए थे वरना। अरे सहजा तुम जैसी का मतलब क्या हुआ है? अब खुदा के वास्ते बस कर दे, इस बाद में बात कर लेंगे। अरे इनको नहीं तुम देख रही, बस कर दे कैसे कर दूं बस। क्यों समझाओ, मेरी आपा कभी गलत नहीं बोलती, मैं बता रही हूँ तुम्हें। चुप कर, चल। दिल लगदा नहीं हो साड़ा